हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेनर डायोड और जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। उसके पहले कुछ जरूरी जानकारी जो हमको होनी चाहिए कि जेनर डायोड जो है वो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है, और स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड चार टाइप के होते हैं, जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल। सोलर सेल पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से। आज बात कर रहे हैं जेनर डायोड। तो जेनर डायोड जो है इन्वेंटेड बाय सी जेनर के थ्रू किया गया था, और इसका जो सिंबल है वो इस टाइप का होता है। जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं जनरल पर्पस, उसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन जेनर डायोड में यहाँ पे ये ऐसी स्ट्रेट लाइन भी होती है, जेड टाइप से दिखती है। इसको ऑपरेट करते हैं हमेशा रिवर्स बायस में। आपको बायसिंग पता होगी कि किसी भी पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे जेनर डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ये डिफरेंट होता है जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड से। अब कैसे डिफरेंट होता है कि इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो हाईली डोप्ड होता है, मतलब इंप्यूरिटी एटम्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। इम्प्यूरिटी बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, डिप्लेशन लेयर जो है वो बहुत थीन हो जाती है, पतली हो जाती है, और जंक्शन जो होता है पीएन जंक्शन, जैसे अगर हम लोग किसी भी टाइप का पीएन जंक्शन डायोड देखें तो यहाँ पे एक जंक्शन रहता है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया मान लीजिए, और ये एन टाइप हो गया, तो ये जंक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई होगी ड्यू टू हाई इम्प्यूरिटी एंड थीन डिप्लेशन रीजन या लेयर। करंट कंट्रोल किया जाता है इस जेनर डायोड में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू। हम लोग देखेंगे इसका सर्किट। एक्चुअली अभी हम लोग थोड़ी सी कुछ सामान्य सी बातचीत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये है आई और ये है वी। ये फॉरवर्ड वोल्टेज है तो ये फॉरवर्ड करंट है, और जैसे जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड बिहेव करते हैं वैसे ही ये भी जनरल बिहेव करता है पीएन जंक्शन के टाइप में जेनर डायोड। लेकिन इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस में, मतलब रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे और रिवर्स करंट यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज करते जाएंगे तो इधर कोई ज्यादा चेंज नहीं दिखता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे यहाँ पे हमको एक ब्रेकडाउन मिलता है और करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, रिवर्स करंट। ठीक है, तो यूनिक फीचर क्या है इसका, यूनिक फीचर यहाँ पे ये है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है इस जेनर डायोड पे, मान लो इसको सर्किट में लगा रखा है और आप इसको ऑपरेट कर रहे हो, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा इसके टर्मिनल्स पे, सपोज यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग अगर वोल्टेज देखें तो वो इंडिपेंडेंट होगा जेनर करंट से, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट फ्लो से इस वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये इस एक्सिस पे अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ के हिसाब से ये करंट, यहाँ के हिसाब से यहाँ करंट, यहाँ के हिसाब से यहाँ करंट, तो करंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन वोल्टेज अब भी अगर हम लोग देखें तो वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वोल्टेज वेरी नहीं कर रहा है। तो ये इसका यूनिक फीचर है और इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में। जेनर डायोड की रेंज क्या होती है, 2.4 वोल्ट से लेके ये 200 वोल्ट तक के जेनर डायोड जो है वो बनाए जाते हैं। पावर रेटिंग कैसे निकाल सकते हैं, पी इक्वल्स टू वी आई, एक जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जेनर वोल्टेज और जेनर करंट लेना पड़ता है हमको, और 150 मिली वाट से 50 वाट तक के जेनर डायोड हमारे पास में इस रेटिंग के होते हैं। अब कुछ बातें जो जरूरी है हमको पता होनी चाहिए, जेनर डायोड मस्ट बी रिवर्स बायस, हमेशा इसको रिवर्स बायस में ही कनेक्ट करना है। मतलब अगर आपके पास में इस टाइप से अगर जेनर डायोड है तो देखिए ये है पी टाइप और ये क्या है एन टाइप, तो इसको हमेशा आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और ये जो एन टाइप है इसको हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। हम लोग देखेंगे आगे इसका सर्किट डायग्राम। जेनर डायोड वोल्टेज, मतलब इसका जो वोल्टेज है, मस्ट बी ग्रेटर देन जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये यहाँ पे सर्किट में जो इसमें हमने डायग्राम में देखा था, ये जो लाइन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो हमको रिवर्स वोल्टेज मिल रहा है इसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हमेशा हमको जेनर डायोड को इस वोल्टेज से ज्यादा पे ही ऑपरेट करना है। इट इज यूज्ड इन सर्किट वेयर द करंट इज लेस देन मैक्सिमम जेनर करंट आईजेड लिमिटेड बाय द पावर रेटिंग। इस पावर रेटिंग में हमको एक करंट की वैल्यू दी जाती है, उस वैल्यू से हम लोगों को इसको कम पे ही ऑपरेट करना रहता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। चलिए जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो यहाँ पे हम इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है कि कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई हमको मिलती है। बहुत सारे अप्लायंस को चलाने के लिए हमको कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जो अप्लायंस है वो ठीक अच्छे से काम कर सकें। फैक्ट बिहाइंड द वर्किंग, इसके वर्क करने के पीछे क्या फैक्ट है, तो स्मॉल चेंज इन रिवर्स वोल्टेज
एक्रॉस जेनर डायोड, तो ये जेनर डायोड है और यहाँ पे ये जो है इसके थ्रू फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट वोल्टेज के थ्रू इस पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर चेंज होता है कुछ भी तो उस केस में प्रोड्यूसेस लार्ज करंट बट एक्रॉस जेनर वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज में चेंज होगा तो लार्ज करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसके एक्रॉस यहाँ पे अगर हम लोग आउटपुट में वोल्टेज देखेंगे तो वो वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक सर्किट डायग्राम है। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करना है हमको, तो इसके साथ में सीरीज ऑर्डर में हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, लेकिन इसको भी हम इसकी वैल्यू क्या होगी वो कैसे डिसाइड करते हैं, इस जेनर डायोड की रेटिंग के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या दिया है, फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट दिया है जिसको हमको कॉन्स्टेंट में चेंज करना है। तो फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या कि इसकी वैल्यू या तो अप हो सकती है मतलब इंक्रीज हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो इंक्रीज वाले केस में ये कैसे वर्क कर रहा है और डिक्रीज में कैसे वर्क कर रहा है ये हम लोगों को यहाँ पे समझना है। चलिए, तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट वोल्टेज है तो हम ये मान रहे हैं कि अभी वोल्टेज जो है फ्लक्चुएटिंग वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वर्किंग देख रहे हैं हम लोग। तो इंक्रीजिंग इनपुट डीसी वोल्टेज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, सपोज ये इसकी जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है और इससे ये इस वैल्यू से इंक्रीज हो गया। ठीक है, लिमिट जिसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से जो ये फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट वोल्टेज है ये इंक्रीज हो गया, यहां से आगे निकल गया, इसकी वैल्यू आगे निकल गई, तो क्या होगा, करंट थ्रू द सर्किट राइज शार्पली। ये दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में कि करंट क्या हो जाएगा, शार्पली इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट वोल्टेज है यहां से इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। अब ये घटना हो गई तो कॉजिंग वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, तो ये जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगा रखा है यहाँ पे, इसके जो ये टर्मिनल है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसका नाम होता है ड्रॉपिंग रेजिस्टर होता है। ठीक है, अब चलिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड, ये जो जेनर डायोड है रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जो हमको है कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिलेगा, हेंस आउटपुट वोल्टेज लोअर बैक टू द नॉर्मल वैल्यू। तो ये जो यहाँ पे आउटपुट में हमको जो रेजिस्टेंस वोल्टेज मिलना था वो अपनी नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये अभी हमने क्या देखा कि फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज जो है वो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, पर जरूरी नहीं कि इंक्रीज हो, क्या हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि डिक्रीज में क्या होगा, व्हेन इनपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस दिस जेनर डायोड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रहा है मतलब कि अब वोल्टेज यहां से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, करंट थ्रू द सर्किट गोज डाउन शार्पली। देखिए यहाँ पे जो एकदम से बड़ा हुआ करंट था ये क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से क्या होगा, कम होगा और फिर एक वैल्यू पे चला जाएगा कॉन्स्टेंट। अब कम होने के कारण क्या होगा, कॉजिंग सफिशियंट डिक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस आर, तो ये जो आर ड्रॉपिंग रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो सफिशियंट डिक्रीज होगा वोल्टेज उसके कारण, एज अ रिजल्ट ऑफ इट वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये जेनर डायोड जो है इसके अक्रॉस यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा, हैंस आउटपुट वोल्टेज रेज्ड टू नॉर्मल वैल्यू, और यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमको नॉर्मल मिलेगा। तो चाहे फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, दोनों केस में हमको यहाँ पे कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिलेगा। तो ये था जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये समझाया मैंने, अगर ये आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।